Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सोमवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे लिया गया है, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष फब्बारे को शिवलिंग बता रहा है। दरअसल सर्वे का काम पूरे होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले हैं उस तालाब में शिवलिंग का मामला है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमने कल भी आपत्ति जताई थी और जब पानी निकाला गया तो वहां शिवलिंग नजर आई। वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल लारे ने कहा कि बाबा मिल गए, समझ लीजिए कि पानी की गहराई में जाकर बाबा मिल गए। वहीं जब तक मुस्लिम पक्ष समझता था या संभलता तब तक ये मामला फिर न्यायालय में पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की, जिस तालाब में कथित शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया गया, जिसके बाद अदालत ने जिलाधिकारी को मस्जिद के अंदर वजू के लिए जो मैदान है उसको सील करने की बात कही है। वहीं बात करें तो हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की कि जिस तालाब में कथित शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने जिलाधिकारी को मस्जिद के अंदर वजू के लिए मौजूद तालाब को तुरंत सील करने का आदेश दे दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो खराब फवारा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि वजू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि ये फवारे का शिवलिंग बताकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार का दिन इस पूरे मामले के लिए बेहद अहम होने वाला है, जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपने रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई भी करेगा। खैर, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.